हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को ब्रह्म समाज के बारे में बताने वाला हूं, है ना। तो ब्रह्म समाज, वही ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय, है ना। वही राजा जिसकी उपाधि कौन दिया था? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। कौन दिया था? अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रहेगा ना। अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया। कब किया? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना किया, है ना। कहां किया? कलकत्ता में किया। और यही ब्रह्म सभा आगे चल करके बन गया ब्रह्म समाज। क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो राजा राम मोहन राय, है ना, ये राजा राम मोहन राय आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, है ना, बहुत से भाषा के जानकार थे, ठीक है। तो इसलिए चूंकि इनको ब्रह्म ज्ञानी भी आप कह सकते हैं, है ना, राजा राम मोहन राय को ब्रह्म ज्ञानी भी कह सकते हैं। तो ब्रह्म क्या है इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, है ना। तो श्वेत केतु और उदालक के बीच में एक संवाद है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो उदालक ने श्वेत केतु से पूछा कि ये बताओ पुत्र कि ब्रह्म क्या होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि ब्रह्म क्या होता है, क्योंकि बड़ा बदमाश विद्यार्थी था वो, तो उसको लगा कि इसको जो है ना पढ़ल लिखल वाला विद्यार्थी वाला लक्षण नहीं। तो बोला कि बताओ ब्रह्म क्या होता है। तो कहा कि हमको नहीं पता क्या होता है ब्रह्म, हमको क्या पता। बोला कि तुम्हारे गुरुजी तो तुमको बताए होंगे। तो कहा कि नहीं, हमको नहीं पता है। क्योंकि ठीक है, नहीं बताए तो हम तुमको बताते हैं, जाओ एगो पेड़ से, पेड़ को इशारा किया कि जाओ उस पेड़ से फल तोड़ के ले आओ। तो लाया फल तोड़ करके, तो बोला क्या है? तो बोला कि पिताजी फल है। तो कहा कि चलो इसका छिलका उतारो। तो उसको उतार दिया। तो बोला अंदर क्या है? तो ये तो जो है सो क्या है, फल है, है ना, इसके अंदर क्या है, छिलका जब उतार दिया तो फल ही है। तो बोला कि चलो अब इसको जो है सो चीरो। तो जब उसको चीरा तो बोला इसके अंदर क्या है? तो बोला कि बीज है। क्या है? बीज है। तो कहा कि बीज है, अब ठीक है तुम इस बीज को तोड़ो, अब बताओ। बीज को तोड़ने के बाद पूछा कि अब बताओ क्या है? तो बोला कुछ नहीं है। तो बोला कि यही कुछ नहीं से इतना बड़ा पेड़ बना है और उससे ये फल बना है, है ना। यानी कि जहाँ कुछ नहीं है उसी कुछ नहीं से बहुत कुछ बना है, है ना। यानी कि जहाँ कुछ नहीं है उससे बहुत कुछ की संभावना हो सकती है, और जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है। वही क्या है? ब्रह्म है। यानी जो शून्य है उस शून्य में ही सारी संभावनाएं छुपी हुई होती है। तो शून्य को कभी भी छोटा नहीं समझना है, है ना। जो शून्य होती है उसी शून्य में सारी संभावनाएं छुपी होती है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, है ना। इसी शून्य से आपको पता होगा कि इसी शून्य से जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, है ना। जब प्रारंभ में क्या था, ब्रह्मांड भी एक शून्य के समान था। इसी शून्य का विस्तार वो क्या है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्म कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं, वो क्या है, शून्य है। यानी कि जहां कुछ नहीं है वही क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। तो यानी कि जहां से सारी संभावनाएं शुरू होती है, जहां से सारी संभावनाएं शुरू होती है वही क्या है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म समाज जो है उन्हीं संभावनाओं को जन्म देने का प्रयास करने के संदर्भ में जो है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? ब्रह्म समाज का स्थापना किया। कब किया? 20 अगस्त 1828 को, है ना। कहां किया? कलकत्ता में किया। उस समय इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। क्या था? ब्रह्म सभा था। बाद में वही ब्रह्म सभा
क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। सभा का रूप जब विस्तृत हुआ, बड़ा हुआ, तो वही क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया, है ना। आ जब राजा राम मोहन राय, है ना, आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। कौन दिया था? अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। एगो पहलुक्का था जिसको अकबर महान कहते हैं, है ना। आई दूसरका है छोटका अकबर, ठीक है। तो छोटका अकबर जो है राजा राम मोहन राय को दिया था राजा की उपाधि, है ना। ओरिजिनल नाम क्या? मोहन राय। क्या नाम था? मोहन राय। उसमें जुड़ गया राजा, तो क्या हो गया? राजा राम मोहन राय, राम मोहन, ठीक है। तो राम मोहन क्या बन गया? राजा राम मोहन राय बन गया, है ना। तो जब ये गए, उसी अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेज, ठीक है। तो उसी के पैरवी के लिए गए थे, लंदन गए थे, है ना, ब्रिटेन, ठीक है। तब ब्रिटेन जब गए, तब ब्रह्म समाज जो है उसका देखभाल करने वाला कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जैसे कि हम ही कोचिंग है, हमको कहीं घूमने जाना होगा तो किसी न किसी को डिप्यूट करेंगे ना, अगर ज़्यादा दिन तक घूमने जाना होगा तो उसका देखभाल करेगा। तो उसी तरह से ये जो है, ये द्वारकानाथ टैगोर, है ना, इनके एक सहयोगी थे द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या बागीस, इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दिए, किसका? ब्रह्म समाज का, कि आप दोनों आदमी जो है इसका देखभाल कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय जब गए तो लौट करके फिर आए नहीं, वहीं के वहीं रह गए। रह गए मतलब क्या? कि वहीं समाप्त हो गए, मतलब मर गए, पंच तत्व में विलीन हो गए, है ना। पंच तत्व में क्या हो गए? विलीन हो गए। अब द्वारकानाथ टैगोर ये भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे, समझे, ये भी नामी गरामी सेठ थे, कहने का मतलब बहुत अमीर जादे थे। इतना समझ लीजिए कि ब्रिटेन के महारानी, है ना, इनके लिए स्पेशल बग्घी भेजी थी, ठीक है। और ब्रिटेन के महारानी के महल में पहुंचने वाले पहला भारतीय थे ये व्यक्ति, समझ जाइए कि कैसन व्यक्ति हैं। जब वहीं पे इनके मृत्यु भी हो गया था, तो इनके मृत्यु के लिए, इनके लाश को ले जाने के लिए महारानी अपना स्पेशल बग्घी दी थी। तो समझ सकते हैं कि द्वारकानाथ टैगोर कितने पावरफुल व्यक्ति थे, है ना, कोई ऐरा गैरा थे नहीं, और वो व्यक्ति इस ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और इन्हीं का बेटा, जब द्वारकानाथ टैगोर, इनका भी मृत्यु हो गया था ब्रिटेन में, ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी मृत्यु ब्रिटेन में, दोनों दोष वहीं रह गया, है ना, दोनों दोस्त कहां रह गया? ब्रिटेन में रह गया, ठीक है। और दोनों क्या करता था? लोग एक चीज समझिए, यहां पे होता था क्या कि लोग जो थे विदेश जाने का विरोध करते थे, है ना, कि समुंदर पार नहीं जाना है, समुंदर पार जे जे जाता है उस सब के साथ अपशगुन होता है, है ना, अच्छा नहीं होता है। तो ये विरोध करते थे राजा राम मोहन राय। हुआ क्या कि जब समुंदर पार गए राजा राम मोहन राय तो लौट के नहीं आए, तो लोग का अंधविश्वास और बढ़ गया, ठीक है। लोग का अंधविश्वास क्या हो गया? और वो बढ़ गया। बाद में क्या हुआ कि द्वारकानाथ टैगोर उनका मित्र गया, वो नहीं आया लौट के, ठीक है, वो विदेशे में रह गया, वही वहीं पे मर गया। लोग का अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ गया, है ना। लोग कहने लगे नहीं, विदेश में जाना क्या होता है? अब शगुन होता है। तभी आप देखिएगा कि आगे 1857 का जब विद्रोह होगा, तो 1857 के विद्रोह में सैनिक सब कहे विद्रोह कर देता, कहता कि तुमको समुद्र पार जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए, तो कहता नहीं, हमारे धर्म में समुद्र पार जाना क्या है? गलत है कि नहीं, समुद्र पार जाना क्या है? गलत है, धर्म के खिलाफ है, अपशगुन हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो कहा जाता है कि रामायण में रामचंद्र जी समुद्र लांघ के, है ना, कहां चले गए थे? लंका गए थे कि नहीं गए थे? श्रीलंका, सीता जी को बुलाने के लिए। तो राम जी के साथ भी अपशगुन हो सकता था, लेकिन उनके साथ पहले ही गलती हो गया था, नहीं तो बाद में क्या गलती होगा? चलिए, खैर, होनी अनहोनी वो तो प्रकृति के हाथ में है। तो द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो है द्वारकानाथ टैगोर के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की जिम्मेवारी जो है संभाले,
और 1839 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था तत्वबोधनी सभा का। किसका स्थापना किया था? तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा का मतलब क्या होता है, सीधे आप लोग पढ़ लेते हैं कि तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा मतलब जो तत्व का बोध कराए, जो क्या कराए, तत्व का बोध कराए। तत्व का बोध मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस सब का नहीं है ना, यानी कि जो जीव बना हुआ है वो जीव किस चीज का बना हुआ है ना, वो किस चीज का बना हुआ है जीव, उसके अंदर क्या है, एक जीव और दूसरे जीव में भिन्नता कैसे है ना, एक जीव दूसरे जीव से अलग कैसे है, इस चीज का बोध कराए, उसको कहते हैं तत्वबोधी है ना, तत्वदर्शी है ना। गीता में भी कहा गया है कि तत्वदर्शी बनो। क्या बनो? तत्वदर्शी बनो। यानी कि तुमको अगर अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि तुमको जाना है तो तत्वज्ञानी के पास जाओ है ना, मेरे पास मत आओ, कहां जाओ, तत्वज्ञानी के पास जाओ, तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो। नहीं तो गीता में चूंकि अर्जुन कृष्ण तो एक ही थे ना, तो बार बार कृष्ण कहां से आएंगे, इसलिए हर व्यक्ति पहुंच सकता है वहां, इसलिए कहे कि तुम कहां पहुंचो, तत्वदर्शी के पास पहुंचो। ठीक है, तो तत्वदर्शी यानी वही जो है तत्वबोधनी, जिसको तत्व का बोध हो जाए है ना, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। तो तत्व का बोध कराने के लिए इन्होंने तत्वबोधनी सभा का स्थापना किया। ठीक है, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी कि इस शरीर का जो निर्माण हुआ है पांच तत्वों से हुआ है। कितने तत्वों से हुआ है? पांच तत्वों से हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से हुआ है। यानी कि जितने भी आप इस पृथ्वी पर जो वस्तु देख रहे हैं वो इन्हीं पांच तत्वों में से एक तत्व है। तो वो हमसे भिन्न कैसे हुआ, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड भी हम हो सकते हैं, नहीं ये बल्ब भी हम हो सकते हैं, पंखा भी हम हो सकते हैं, क्योंकि इसी पांच तत्वों में से वो पंखा भी बना हुआ है, बल्ब भी बना हुआ है। तो एक मानव दूसरे मानव से भिन्न कैसे हुआ, नहीं ना हुआ, लेकिन हम लोग भिन्नता करते हैं, तो ये गलत चीज है। तो तत्वदर्शी क्या करते हैं कि हर तत्वों को वो तत्व के लेवल पे जाकर के देखते हैं है ना, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भिन्नता नहीं स्पष्ट करते। ठीक है, वो तत्व के स्वरूप को देखते हैं, उसके स्तर पर जाकर के देखते हैं। तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना कौन किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। कब? 1828 में, डेट 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। किसके नाम से? ब्रह्म सभा के नाम से। क्या बना वो बना? बाद में ब्रह्म समाज बना है ना। चलिए, राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन गए तो अपने जिम्मेवारी द्वारकानाथ टैगोर के और रामचंद्र विद्या बागीश को सौंप दिए है ना, द्वारकानाथ टैगोर को, रामचंद्र विद्या बागीश को। एकदम बढ़िया से ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है, परीक्षा में पूछल जाता है। ठीक है, फिर 1856 में क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा कि थोड़ा मोरा हमको और भी ज्ञानवान जो है प्राप्त करना चाहिए, इतना ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तपस्या उपस्या करना चाहिए। तो तपस्या करने के लिए क्या किए कि अपना जो कार्यभार था वो दे दिए केशव चंद्र सेन को। किसको दे दिए? केशव चंद्र सेन को, और बैठा दिए आचार्य की कुर्सी पर कि केशव चंद्र सेन जी आज से आप जो है आचार्य के कुर्सी पर बैठिए और ब्रह्म समाज की जिम्मेवारी है उसका वहन आप कीजिए, हम चले शिमला काहे तो हम चले तपस्या करने, हमको थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की जिम्मेवारी सौंप करके चले जाते हैं 1856 में तपस्या करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, बाद में अब केशव चंद्र सेन जो है इनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बहुत ही उदार व्यक्ति है और ब्रह्म समाज में क्या था, एक प्रचलन था कि शनिवार के शनिवार मीटिंग होता था उसमें। ठीक है, और उस मीटिंग में सारे लोगों को बुलाया जाता था और उसमें अध्ययन किया जाता था, अध्ययन करके बताया जाता था कि किस धर्म में क्या है, किस धर्म में क्या है, उसकी अच्छाई और बुराई को एक जगह रखा जाता था। तो ये अच्छी बात है ना कि सारे धर्मों का अध्ययन करके उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास किया जाए। तो राजा राम मोहन राय का भी मानना यही था कि सारे धर्मों में बुराई है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म में बुराई हो, बुराई है तो सारे धर्म में है
और अच्छाई है तो सारे धर्म में है। तो हमको क्या लेना है, जो जो धर्म में अच्छाई है, जिस जिस धर्म में जो जो अच्छाई है उस सारे अच्छाई को हमको ले लेना है और सारे बुराई को छोड़ देना है। तो अच्छाई लेने में क्या दिक्कत है ना, ये राजा राम मोहन राय का मानना था। तो इसलिए वो एक सभा बुलाते थे शनिवार के शनिवार, है ना। बाद में क्या हुआ कि यही केशव चंद्र सेन जो है उस सभा में सारे धर्मों के लोगों को अलाउ कर दिए कि आप लोग सब लोग आइए पुस्तक पढ़िए, ठीक है। तो बाद में जो है इसीलिए केशव चंद्र सेन का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। क्या होने लगा, विरोध होने लगा, लोग विरोध कर दिया, केशव चंद्र सेन जो है ना पगला गया है, एकरा कोई ना धर्म कर्म नहीं है, नहीं हिंदू में देखते नहीं है, तनका धर्म से नहीं होता, पागल हो गया, एकरा कोनो धर्म कर्म नहीं, सब धर्म कर्म के नाश कर दिलक ना, सारा धर्म कर्म का बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो केशव चंद्र सेन के ऊपर भी लोग क्या हो गए, गुस्सा गए कि ये जो है समाज को, ब्रह्म समाज को के लिए अच्छा नहीं है, ये सब धर्म को केगो में शान दिया है, नहीं। तो लोग उनका विरोध करने लगे, तब जाकर के 1865 में ये देवेंद्रनाथ टैगोर आए, कहे कि बहुत हो गया सर साहब, महाराज बहुत हो गया, अब जो है इस समाज की जिम्मेवारी जो है आप छोड़ दीजिए, हम समाज ले आपसे ना होने वाला है, आप सबको बेरा गर्त कर दिए, नहीं सबको गु गोबर कर दिए, क्या कर दिए, गु गोबर कर दिए, ठीक है आपसे ना संभालने वाला है। तो 1865 में, कब 1865 में, जो ब्रह्म समाज था दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूट गया। कुछ समर्थक देवेंद्रनाथ टैगोर के भी थे और कुछ समर्थक केशव चंद्र सेन के भी थे, स्वाभाविक है कि दोनों का समर्थक होगा। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थक थे वो बनाए आदि ब्रह्म समाज, क्या बनाए, आदि ब्रह्म समाज, वो आदि कुछ कुछ के खाने वाला नहीं, आदि है ना, आदि का मतलब होता है सबसे पुराना, ठीक है, जो प्रारंभ में है उसको कहते हैं आदि, ठीक है। तो ये हो गया आदि ब्रह्म समाज, और एक वो बना भारतीय ब्रह्म समाज, है ना। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो था इसके नेतृत्व में कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। और केशव चंद्र सेन जब आए तो इनके प्रयासों से जो है 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पास हुआ, क्या हुआ, ब्रह्म विवाह एक्ट पास हुआ, और 1872 में ही जो है एक और नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ। इस नेटिव एंड मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को जो है सो मान्यता दिया गया। अंतरजातीय विवाह का मतलब कि लड़का दूसर जात के, लड़की दूसर जात के, ठीक है, विवाह हो सकता है, इसकी मान्यता मिल गया कब, 1872 में मिल गया, इसको क्या कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्म समाज में कब हुआ, 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट के मान्यता मिल गया, और इसमें क्या था कि बाल विवाह का विरोध किया गया था, क्या किया गया था, बाल विवाह का विरोध, पहले बच्चे में इतने इतने को में जो है सो शादी हो जाता था, है ना, तो उसका जो है सो विरोध किया गया। आ हुआ क्या, चूंकि केशव चंद्र सेन इसका समर्थक थे, बाल विवाह के वो विरोधी थे, है ना। आ हुआ क्या कि 1878 ईस्वी में जब इनको मौका मिला तो बहती गंगा में हाथ धो लिए, है ना, बहती गंगा में हाथ धो लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि खुदे जो है नियम बनवाए थे या खुदे नियम का उल्लंघन कर दिए, है ना, खुदे नियम बनाए थे, खुदे नियम का क्या कर दिए, उल्लंघन कर दिए। जैसे मोदी जी दिन में कहते हैं कि दिन में प्रचार प्रसार, रात में कहते हैं कि दो गज के दूरी या मास्क है जरूरी, ठीक है। उसी तरह से केशव चंद्र सेन क्या कर दिए, इस जो ब्रह्म विवाह जो एक्ट है इसका खुदे उल्लंघन कर दिए, है ना। जब इनको मौका मिला तो इनकी पुत्री का उम्र मात्र 12 साल था, कितना था 12 साल, और उस 12 साल के उम्र में ही अपने पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजा से कर दिए, ठीक है। तो बाल विवाह हुआ कि नहीं हुआ, खुद बाल विवाह के विरोधी हैं और बाल विवाह कर दिए। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो बोले कि देव संयोग था, ऐसा ही भगवान को मंजूर था, ऐसा कहीं होता है क्या। लोग ने कहा ये गलत है, हम लोगों को कुछ और सिखाते हैं, खुदे करते हैं कुछ और, है ना, बनिया लड़का घर द्वार मिल गया तो अपन बेटी के शादी कर दिए कमे उम्र में, नहीं। तो यहीं से क्या हो गया, फिर भारतीय ब्रह्म समाज जो था 1878 में
दो भाग में फिर टूट गया। फिर क्या हो गया? दो भाग में टूट गया। एको बन गया भारतीय ब्रह्म समाज, है ना, क्या बन गया? भारतीय ब्रह्म समाज। एको बन गया साधारण ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज में कौन थे? खुदे थे केशव चंद सेन, और साधारण ब्रह्म समाज के सपोर्ट में आ गया कौन? शिवनाथ शास्त्री। पूछता है कि साधारण ब्रह्म समाज में कौन कौन लोग थे? तो शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, है ना, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली। द्वारकानाथ टैगोर नहीं, ये गांगुली जी हैं, ठीक है, गांगुली परिवार, ठीक है। चलिए अब इसमें विरोध करने वाले में पता है आपको विवेकानंद भी थे, ठीक है, जो केशव चंद्र का विरोध किए थे, कहे कि ये क्या, आप कहते कुछ और है करते कुछ और है। जब मीटिंग हो रहा था तो मीटिंग में विवेकानंद भी पहुंचल थे, ठीक है, और केशव चंद्र सेन भाषण दे रहे थे। केशव चंद्र सेन जब भाषण दे रहे थे तो एगो कान में जो है सो विवेकानंद को फुसफुसिया दिया कि खुदे तो अपन बेटी के ब्याह कम उम्र में किया, लोग कह रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। विवेकानंद तो थे, उठ के पूछे कि महाशय बात बताइए कि आप खुदे जो अपना बेटी के ब्याह सुने हैं कि कम उम्र में किए हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। जो नियम बनवा रहा है वही नियम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं से लोगों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब ब्रह्म समाज टूट गया दो भाग में फिर से। कब? 1878 में। भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली इसके सपोर्ट में आ गए, ठीक है। फिर आगे ब्रह्म समाज धीरे धीरे चलते रहा, है ना, आगे बढ़ते रहा, बाद में इसमें लोग जुड़ते गए, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर एक नए समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।